वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। इस क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे 25 सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। ये बेस्ट एपिसोड नंबर 67 है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है? इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1। ओके, बहुत सिंपल सवाल था और इस बार रेलवे एग्जाम में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2, त्रितली डैश का लोक नृत्य है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, एमपी, भोपाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, यूपी, लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 4, यूरेनस सूर्य से डैश ग्रह है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7वां, यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय बजट हमेशा पहले डैश में प्रस्तुत किया जाता है। अच्छे सवाल हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय बजट हमेशा पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, कौन तय करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के अध्यक्ष। दोस्तों, आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं जीरो से जीनियस तक। इसके जस्ट बगल में सब्सक्राइब बटन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। यदि आप जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त मंत्रालय हर साल केंद्रीय बजट तैयार करता है और इसे संसद में प्रस्तुत करता है, इनमें से कौन सा केंद्रीय बजट का तत्व है? वित्त मंत्रालय हर साल केंद्रीय बजट तैयार करता है और इसे संसद में प्रस्तुत करता है, इनमें से कौन सा केंद्रीय बजट का तत्व है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और विस्तृत पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या ... के अनुसार संसद के दोनों सदनों के समक्ष संघ बजट रखा गया है। आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपके संविधान से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, इसके लिए एक विशेष एपिसोड चल रहा है हमारे टीम जीरो से जीडीएस तक की ओर से। उसे देख करके आप इस सभी प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि वे रोजाना अपलोड होते हैं, एपिसोड बाय एपिसोड बढ़ते जाएगा और उसके साथ जुड़े रहे तो आपका पॉलिटी प्लस सिविक्स अच्छे हो जाएंगे।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 112। ओके 112। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से एक सवाल पूछ देता है आजकल, तो आप अपने बुक में पढ़ लो कि अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं और प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो व्यय कर है वे अप्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी आपके तीनों हैं, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, ये सभी अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से व्यय कर को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? सवाल अच्छे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि आयकर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व खाते पर भारत सरकार का व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्याज भुगतान। ओके क्वेश्चन नंबर 12, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किसने बनाया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पल्लव सम्राट ने। क्वेश्चन नंबर 13, संगीत निर्देशक के रूप में किसने अधिकतम फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, A.R. रहमान। अच्छे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14, हृदय के संकुचन को किस रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिस्टोल। हृदय के संकुचन को सिस्टोल के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, आजादी रचता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वनस्पति नाम है? आजादी रचता इंडिका निम्नलिखित में से किसका वनस्पति नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीम। नीम के वृक्ष का नाम है आपका आजादी रचता इंडिका। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। सवाल अच्छे हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम है? ये सवाल इस साल पूछा था और हम तीसरी बार आपसे पूछ रहे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्गन। क्वेश्चन नंबर 18, कुतुब मीनार डैश में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, बाजीराव 1720 से 1740 ईस्वी तक शासन करा था, यह किस वंश का था?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेशवा, पेशवा वंश का शासक था बाजीराव। क्वेश्चन नंबर 20, प्ले स्टेशन का आविष्कार किसने किया, ये सवाल पूछा था इस साल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केन कुटारगी ने प्ले स्टेशन का आविष्कार करा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रकाश तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ल्यूसीमीटर, प्रकाश तीव्रता को मापने वाले यंत्र को ल्यूसीमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण निरंतर। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, कई बार ये सवाल पूछा है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पद्म विभूषण। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, झींगे किस फैमिली से है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्रस्टेशियन, झींगे का फैमिली प्रजाति क्रस्टेशियन है। ओके, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है, ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यू फॉर यू और इसका राइट आंसर कमेंट करें। वीडियो अब तक लाइक कर दिए तो धन्यवाद, और नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए, और लाइक करके मेरे जो भी अच्छे चाहते हैं इस जीरो से जीनियस तक के रेगुलर वीडियो देखते हैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आज संडे है और ये संडे का फर्स्ट वीडियो है, इसको बना दीजिए फंडे, जरूर अपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर जहाँ कहीं भी हो एक बार आज शेयर जरूर करें, तो आपके फ़ोन के ठीक शेयर बटन जहाँ दिखाई दे रहा होगा वहाँ से क्लिक करके आप शेयर कर सकते हैं, तो शेयर कीजिए, जो करेंगे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ आई बटन पे क्लिक करके ये एपिसोड नंबर 67 है, इसके पिछले एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और आपके लिए हिस्ट्री के एपिसोड चल रहा है, आपको हिस्ट्री कुछ भी समझ में नहीं आता है तो भी आप उस हिस्ट्री के एपिसोड के साथ जुड़ करके हिस्ट्री अच्छे कर सकते हैं। सिविक्स प्लस पॉलिटी बिल्कुल फ्रेश एपिसोड चल रहा है, उसको भी आप देख करके आप सिविक्स प्लस पॉलिटी को अच्छे कर सकते हैं। ज्योग्राफी का भी चल रहा है, उसको भी देख करके आप ज्योग्राफी को अच्छे कर सकते हैं। साइंस का चल रहा है, उसको भी देख करके साइंस को अच्छे कर सकते हैं। कंप्यूटर चल रहा है, करेंट अफेयर्स प्लस इस सीरीज के साथ बने रहें तो आपका जीके जीएस का काम हो जाएगा। ओके, तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, वंदे मातरम।